नमस्कार, निटिंग एंड क्रोशे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं ये सिंगल कलर का पैटर्न आपको बताने जा रही हूँ। इस डिजाइन को आप कार्डिगन, हाफ जैकेट में डाल सकते हैं। यह डिजाइन बहुत ही आसान है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इस डिजाइन में ये 16 फंदे का डिजाइन है और 10 सिलाइयों में बनता है। इस डिजाइन को बनाने से पहले मैं आपको इस डिजाइन के बारे में बता दूं, ये 16 फंदे का डिजाइन है। जब भी किसी प्रोजेक्ट में कार्डिगन हो या हाफ जैकेट या शॉल वगैरह में यदि आप इस डिजाइन को डाल रहे हैं, तो जब भी आप फंदे लेंगे तो 16 के मल्टीपल ही फंदे लेने होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये तीन फंदा, यहाँ पे दो फंदा दोनों तरफ से घटता चला जा रहा है। पहले चार फंदा लेंगे उल्टा, यहाँ तीन फंदे का एक उल्टा फंदा हो जा रहा है, फिर इधर भी चार उल्टा फंदा, नेक्स्ट सिलाई में ये तीन फंदा हो जाएगा, उसके बाद दो, फिर एक, इस तरह से ये उल्टा फंदा कम होता चला जाएगा और इधर ये जाली बनाएंगे जिससे ये फंदा बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 16 फंदे हैं, इतना फंदा आपको लेना पड़ेगा। यदि आप इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं तो 16 के मल्टीपल फंदे लेने होंगे। इसको बनाने के लिए मैंने ये नॉर्मल 4-ply ऊन और 10 नंबर की सिलाई का उपयोग इसमें किए हैं। तो चलिए देखते हैं किस डिजाइन को कैसे बनाते हैं। फंदा डालने के बाद पहली दो सिलाई दोनों तरफ से उल्टा बुन लेंगे। इस डिजाइन को आप बॉर्डर बनाने के बाद भी डाल सकते हैं और ऐसे भी कंटिन्यू इस डिजाइन को बना सकते हैं। इस तरह से ये दो सिलाई उल्टा बुनने के बाद जब डिजाइन शुरू करेंगे, ये पहली सिलाई है, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और दो फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, अब चार फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन और ये चार, चार फंदा उल्टा हो गया। अब ये तीन फंदा, इन तीनों को मिला करके एक उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर से चार फंदा उल्टा हो जाएगा, एक दो तीन चार, धागा पीछे करेंगे, दो सीधा फंदा, धागा आगे कर लेंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे। इसी तरह इस पैटर्न को पूरी सिलाई में रिपीट करेंगे। ये एक सीधा फंदा के बाद फिर धागा आगे कर लेंगे और दो सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, अब चार उल्टा फंदा, एक दो तीन और ये चार फंदा हो गया। इसके बाद इन तीन फंदों को मिला करके एक उल्टा फंदा, फिर से चार फंदा उल्टा, एक दो तीन और ये चार फंदा उल्टा हो गया, धागा पीछे करेंगे, ये दो फंदा सीधा हो जाएगा, फिर से धागा आगे कर लेंगे, एक सीधा फंदा, ये लास्ट का फंदा है, इसे ऐसे ही बुन लेंगे। दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से, सभी सिलाइयों में रॉन्ग साइड से हमेशा ही उल्टा बुनेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनना है। इस तरह से सभी फंदों को रॉन्ग साइड से उल्टा ही बुनेंगे। तीसरी सिलाई है, अब ये पहला फंदा फिर उतार लेंगे, उसके बाद देखिए ये जो जाली वाला फंदा है इसे सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। हर सिलाई में ये जो दो सीधा फंदा है इससे पहले धागा आगे करके जाली बनाएंगे, ये एक और ये दो सीधा फंदा हो गया, फिर धागा आगे करेंगे, अब चार के बजाय तीन फंदा उल्टा बुनेंगे। पिछली सिलाई में चार फंदा उल्टा बुने थे, इस सिलाई में तीन फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर इन तीन फंदों को एक साथ बुन लेंगे, एक उल्टा फंदा, इसके बाद फिर तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, अब यहां देखिए फिर ये दो सीधा फंदा है इसे बुन लेंगे
उसके बाद फिर धागा आगे करेंगे और जाली बनाएंगे यहाँ पे। अब बीच में ये एक फंदा था पिछली सिलाई में, अब तीन फंदा हो जाएगा। नेक्स्ट सिलाई में ये पांच फंदा हो जाएगा बढ़ करके। इस तरह से जब भी जाली बनाएंगे तो ये जो दो फंदा सीधा है इससे पहले और ये दो सीधा फंदा के बाद, और बीच में तीन फंदे का एक उल्टा फंदा। इसी तरह इस पूरे डिजाइन में बनाएंगे। यहाँ देखिए फिर धागा आगे करेंगे, दो सीधा फंदा, धागा आगे, तीन उल्टा, तीन फंदों को मिला करके एक उल्टा फंदा, फिर से तीन उल्टा फंदा, धागा पीछे, दो सीधा फंदा, धागा आगे करेंगे और ये यहाँ पे एक जाली बनेगा। ये पांचवी सिलाई है, यहाँ देखिए दो और ये तीन सीधा फंदा हो गया। फिर धागा आगे कर लेंगे, दो सीधा बुनेंगे, धागा आगे, अब दो उल्टा फंदा बुनेंगे। इसके बाद इन तीन फंदों को मिला करके एक उल्टा फंदा, फिर से दो उल्टा फंदा, धागा पीछे, दो सीधा फंदा, धागा आगे, अब यहाँ पे पांच फंदा सीधा हो जाएगा। धागा आगे करेंगे, इसी चीज को पूरे सिलाई में रिपीट करना है। दो सीधा फंदा, धागा आगे, दो उल्टा, तीन फंदे का एक उल्टा फंदा, फिर से दो उल्टा फंदा, धागा पीछे, दो सीधा फंदा, फिर से धागा आगे कर लेंगे और यहाँ पे एक जाली बना लेंगे। रॉन्ग साइड से फिर सभी फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। ये सातवीं सिलाई है, इसमें चार फंदा सीधा हो जाएगा, उसके बाद फिर धागा आगे कर लेंगे और दो फंदा सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, अब ये एक फंदा उल्टा हो जाएगा और बीच में तीन फंदे को इस तरह से एक उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर एक उल्टा फंदा, दो सीधा, धागा आगे, अब बीच में ये सात फंदा सीधा हो जाएगा, धागा आगे करेंगे, दो सीधा, फिर एक उल्टा फंदा, तीन फंदे का एक उल्टा फंदा, फिर से एक उल्टा, धागा पीछे, दो सीधा फंदा, धागा आगे, अब ये सभी फंदा सीधा हो जाएगा। नौवीं सिलाई है, इसमें देखिए तीन, चार और ये पांच फंदा सीधा हो जाएगा। धागा आगे कर लेंगे, फिर दो फंदा सीधा, धागा आगे, अब यहाँ पे देखिए उल्टा में तीन फंदा बचता है, इन तीनों को मिला करके एक फंदा बुन लेंगे, फिर दो सीधा, धागा आगे, अब ये नौ फंदा सीधा हो जाएगा, धागा आगे करेंगे, दो फंदा सीधा, धागा आगे और तीन फंदे का एक फंदा उल्टा, फिर दो सीधा फंदा, धागा आगे, अब ये सभी फंदा सीधा हो जाएगा। इसी तरह देखिए ये डिजाइन बन गया है, दस सिलाई में ये डिजाइन पूरा हुआ है। अब एक ग्यारहवीं सिलाई में फिर इस डिजाइन को रिपीट करेंगे, जैसे पहली सिलाई में बुने थे
उसी तरह ये फंदा उतार लेंगे, पहला फंदा, धागा आगे करेंगे और दो फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, चार फंदा उल्टा, तीन और ये चार, चार फंदा उल्टा हो गया। अब देखिए ये बीच वाला और ये, इन तीनों को मिला करके एक उल्टा फंदा बुनना है, फिर इसके बाद चार फंदा उल्टा, ये चार फंदा उल्टा हो गया। अब यहाँ ये दो फंदा सीधा हो जाएगा, फिर धागा आगे करेंगे, एक सीधा फंदा, धागा आगे करेंगे, दो सीधा फंदा, धागा आगे, चार उल्टा फंदा, अभी ये तीन फंदा, यहाँ देखिए ये तीनों फंदा एक साथ उल्टा बुनेंगे, फिर चार फंदा उल्टा, चार फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, धागा आगे, एक सीधा फंदा, ये किनारे का फंदा है, इसे बुन लेंगे। पूरे कार्डिगन में आप इस पैटर्न को इस तरह से रिपीट कर सकते हैं। ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।